Hey there, welcome back to the channel. This is the third tutorial in which we are learning Microsoft Office Suite, in which we will cover Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and PowerPoint. This is the third tutorial of MS Word, in which we will learn about the insert. In this tutorial, we will learn to manage the tables, charts, shapes, Word art and header footer. So let's start the tutorial. So this is our file. यहाँ पर if we have a lots of data, but अगर हम हर heading को next page में लाना चाहते हैं तो या तो हम enter करते हैं तो ये हमारा content next page में आ जाता है, या फिर उससे भी simple एक method है. Let's check it out. जहाँ का भी कंटेंट आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाना हो, जस्ट वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाइए एंड इन जस्ट क्लिक ऑन पेज ब्रेक, और यहीं से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट कंटेंट आपका नेक्स्ट पेज से आ जाएगा. इसमें अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं या फॉन्ट चेंज करते हैं तब भी आपका कंटेंट नेक्स्ट पेज से ही आएगा, लेकिन अगर आप स्पेस लेके आते हैं और उसके बाद अगर आप साइज फॉन्ट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो स्पेस और भी इंक्रीज डिक्रीज होता है. सो ब्लैंक पेज में एक न्यू पेज ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा. कवर पेज में प्री डिफाइंड कुछ कवर्स होते हैं, वो इंसर्ट हो जाएंगे. सो लेट्स हैव द टेबल. सो विल इंसर्ट अ टेबल. यहाँ पे बस कर्सर लाना है एंड यू कैन क्रिएट. बाय डिफॉल्ट साइज सबका कॉमन आता है, बाद में आप इस साइज को चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ से हमने टेबल इंसर्ट कर दिया एंड वी कैन फॉर्मेट इट. We have different formats for table. So आगे हम देखते हैं insert में और क्या है. Insert में you can draw table. इस तरीके से we can draw table with the help of pencil. और अगर पहले से हमारे पास कोई table है, हम उसमें भी pencil की help से draw कर सकते हैं. सो लेआउट हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग पूरा फोकस इंसर्ट पे हैं. पिक्चर में क्लिक करेंगे सो वी कैन इंसर्ट एनी पिक्चर. सो हमारी टेबल में पिक्चर इंसर्ट हुई है. लेट्स इंसर्ट इट हियर. कंट्रोल जेड एंड इंसर्ट पिक्चर. सो यहाँ से हम फॉर्मेट में पिक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज ऑनलाइन पिक्चर्स. अगर इंटरनेट से आपका पीसी कनेक्टेड है तो ऑनलाइन पिक्चर्स आप ला सकते हैं. ये शेप्स हैं, वी कैन ड्रॉ डिफरेंट शेप्स. एंड इवन वी कैन मैनिपुलेट दीज शेप्स. इसके लिए भी आपके लिए मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना दूंगी. सो देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ शेप्स आर देयर. यहाँ पे ये जो कर्ली है यहाँ से आप कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा आता है स्मार्ट आर्ट. डिफरेंट यहाँ पे आर्ट्स मौजूद हैं, आप यहाँ पे अच्छे से डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं.
सो लेट्स चूज समवन। सो यहाँ पे मैंने इसको चूज किया है, यहाँ पे आई कैन हैव सम डेटा। इस तरीके से डेटा का लिख सकते हैं एंड यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा 3D1 एंड वी कैन चेंज द कलर ऑल्सो। यहाँ से हम इसको वापस से दूसरे शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द चार्ट वन। यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स है, लाइन, कॉलम, बार, एरिया, स्कैटर्ड चार्ट, ट्री मैप। सो लेट्स हैव द पाई वन। सो यहाँ पे चार्ट, हमारा पाई चार्ट आया है एंड साथ में हमारे पास एक टेबल में आया है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हैं तो यहाँ पे हमें 4 रोज मिली है, यहाँ पे हमें डेटा फिट करना है। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा पाई चार्ट चेंज हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 11 कर दिया, यानी सबसे ज़्यादा 4th क्वाड्रेंट, तो इस तरीके से चेंज हो गया। वी कैन हैव स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए सबसे बेस्ट होता है पिंट स्क्रीन करके एक की अवेलेबल होती है इन आवर कीबोर्ड, जस्ट प्रेस ऑन इट, आपको बेस्ट स्क्रीनशॉट इंस्टेंटली मिल जाएगी। ये स्टोर है, ये विकिपीडिया, ये सारे ऑनलाइन कंटेंट है। वी कैन ऐड सम कमेंट ताकि फ्यूचर में या किसी और को कुछ देख रहा हो तो ही कैन व्यू इट कि क्या कमेंट किसने किया है। नेक्स्ट वी कैन हैड हेडर और फूटर, जैसा कि पेज नंबर हेडर फूटर में कभी कभी अवेलेबल होते हैं, और या फिर अलग से एक पेज नंबर का भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। टेक्स्ट बॉक्स सिंपली एक टेक्स्ट एरिया दे देता है जिसमें वी कैन टाइप। नेक्स्ट इज द वर्ड आर्ट जो होम में भी अवेलेबल था। देन इज द सिग्नेचर, कुछ अलग आप अपना डालना चाहते हैं कि ये मेरे द्वारा बनाया गया फॉर्मेट है। यू कैन इंसर्ट डे टाइम और ऑब्जेक्ट। वी हैव इक्वेशंस एंड डिफरेंट सिंबल्स जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like and subscribe.